बताइए मैं गौराम चैनल के साथ एक भी अगर जो बर्मा शंकर कुछ सालों आज काम किए हो बताइए 2000 लोगों को नौकरी बर्मा शंकर ने दिया 2000 व्यक्तिगत कैसे अमीर गरीब है अमीर गरीब हर चार का जाएगा। अच्छा अच्छा ये राजकीय विद्यालय आदमी को लेगा ये सड़क पर ले जाएगा ये सड़क पर ले जाएगा आई टी आई महंगाई अपने लीटर के डीजल किसान पागल हो रहा है जनता पागल होकर मर रही है। देवरिया जिला है चाहे रुक जाइए भाई साहब बड़ी पहले गर्मी बनी हुई है यहाँ चाय का गर्मा देगा। देवरिया जिला है और पत्थरदेवा सीट है जहाँ से प्रताप शाही जो उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री है वो विधायक है 2012 में इस सीट से लड़े थे शाकिर अली से हार गए थे सात में हारे बारह में भी हारे और 17 में चुनाव जीते कृषि मंत्री बने इस बार फिर से मैदान पे पत्थरदेवा सीट से और सामने उनके चुनाव लड़े ब्रह्मा शंकर तिवारी सपा से समाजवादी पार्टी से और शाकिर अली जो 2012 में विधायक थे उनके बेटे परवेज आरम लड़ रहे हैं यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से तो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया राहुल क्या समीकरण बताइए क्या रहेंगे इस बार चुनाव में देखिए हम भाजपा सपा से नहीं है भैया हम तो भाजपा सपा का मैं दुकानदार आदमी व्यापारी है ठीक है ये भाजपा से हो सकते हैं मैं किसी पार्टी से नहीं लेकिन जो जेनुइन हो मैं उसको बोला। जीतने के बाद 2 ITI राजकीय ITI कॉलेज बंजरिया दे सकते राजकीय महाविद्यालय देसई आ इसके पूर्व तो राजकीय महाविद्यालय पर सुनवा भी है तो फिर तीन बार अरे भाई अब हमसे पूछा जा रहा है हमको तो ठीक दीजिए अगर जो हमसे पूछा आपसे जब पूछा जाएगा तो आप बोल दीजिएगा भाई अब बताइए आप इसके पहले सीएससी पत्थरदेवा उन्हीं का बनवाया हुआ ये पानी का टंकी उन्हीं का बनवाया है इस समय बंजरी देवरिया धूल से बंजरिया बंजरिया से तरकुलवा 2 लेन की सड़क को बनवा रहे हैं ये ब्लॉक के पास से और बाईपास पत्थरदेवा सूर्य प्रताप शाही बनवा रहे हैं उसके बाद एक हर ब्लॉक में बीच गोदाम कृषि से समिति खुले हैं चारों बैतालपुर में जो कृषि यंत्र का ट्रेनिंग का होता है 6 करोड़ रुपये देकर उन्होंने वहाँ बनवाया है यहाँ पत्थरदेवा ब्लॉक गेस्ट हाउस PWD का गेस्ट हाउस क्यों बन रहा है इनके से बन रहा है इस प्रकार हर गांव रेली पट्टी इसे गांव में अब हमारे गांव में मेन गांव से सब से शिवस्थान तक पीछे उन्होंने कराया 520 का RCC उन्होंने कराया एक और सड़क हो रही है मतलब इस क्षेत्र में गांव सड़कों का जाल उन्होंने बिछवाया बहुत सारे काम गिराए महाराज भी तो काम कराएगा काम कराए 1947 का ये पुल है तार है या मंत्री रहा है दो गांव आ ये तार नहीं पुल
तीन बार मंत्री हुए कई विभाग के। देखिए तार 1947 का है, देखिए हाँ 1947 जन्म की पहले है जो बोल रहे और ये सड़क जो देख रहे हैं, चार बार कैबिनेट मंत्री रहे सूर्य प्रताप शाही, लेकिन उनके शासनकाल में धान रोपते थे यहाँ पर इस रोड पर। और मानिए साकी रैली जब हुए विधायक, जो कंचनपुर से लेकर गृह मंत्री सूर्य प्रताप शाही के घर तक ये नेशनल हाईवे रोड बनवाए हैं, पूरी दुनिया जानती है, गवाह देते हैं। किसी से पूछिए भाजपा की से पूछे कौन बनवाया है, कोई भी काम सरकार ने किया भाजपा ने, सूर्य प्रताप शाही ने कोई काम नहीं किया है। मैं पूछ रहा हूँ वर्मा शंकर जी ने क्या सरदम कौन सा काम किया, वर्मा शंकर ने 1500 एक युवाओं को रोजगार दिया, नौकरी दिया है 1500 यहाँ कसिया विधानसभा पथरवा विधानसभा में 1500 युवाओं को रोजगार दिया, और सूर्य प्रताप शाही पथरवा में नौकरी दिया, नौकरी इस जगह पर होमगार्ड मंत्री में जिंदगी भर रहे भाजपा में, लेकिन लड़का रोड छाप है नौकरी नहीं मिला, आप क्यों नहीं अपना ले लिए, हमारे लड़के तो थे हमारे नौकरी ले लिए, अरे हमारे हमको मिला है हमारा पास अंदर तिवारी एक भी सार्वजनिक खुद बेरोजगार है हॉस्पिटल में, आप भी जाते हैं जोड़ रहा हूँ आप तीनों लोगों के, बहुत एहसान होगा आप लोगों का अगर शांति से आराम से बात करेंगे। मैं तो दिल्ली से आया हूँ, अभी गाड़ी स्टार्ट कर वापस चला जाऊँ, ठीक है एक ही साथ रहना आप लोगों को, है ना, सब एक दूसरे को जानते होंगे, है ना आप लोग शाही बंपर वोटो से इलेक्शन जीतेंगे, शाही तो गोल हमारे में नहीं है, ये अकेले हमारे में अकेले है, बीजेपी का अकेले है, अकेले है, भारी हूँ समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी सरकार बढ़िया काम किया आप लोग, तो समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे को टिकट क्यों नहीं दिया, पदाधिकारियों को बसपा से क्यों लड़ना, हमसे पूछिए तो इसलिए नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि जो है वो अगर विधायक बन भी जाएंगे तो बीजेपी को छोड़कर दूसरे का समर्थन नहीं करेंगे, मायावती खुद बोली है कि जो है अगर हमारा उनको मायावती सुनो तो भाई साहब भैया आवाज सुनो, हम सुने हैं कि मायावती खुद कह रही है कि तू हमारा कमजोर पड़ता है, तुम बीजेपी का और आप बोलते हैं, बोलिए मायावती नेता सुनता रही गाँव के पति नेता खाली बोलता है सुनिए तो भाई साहब बोलिए, गजब जिद्दी आदमी बोलिए, जिद्दी रही आप ये कह रहे हैं कि शाकिर अली के बेटे को समाजवादी पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया, बसपा से जाना पड़ा, तो उनको विधायक नहीं थे, क्यों नहीं जन्मेंद्र सिंह को दिया बीजेपी टिकट, उनके लड़कों को देना चाहिए ना, जन्मेंद्र सिंह मर गए
तो उनके लड़के को देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। शाहिद यही से विधायक है ना। अरे तो देवरिया की हम बात कर रहे हैं, अगर जानते हैं जो जीत नहीं पाएंगे। वर्मा शेखर तिवारी ने आज कुछ कार किया है मंत्री के, तो यहाँ पर वर्मा शेखर तिवारी के हर जाति का हो जाति का क्या जाति है समीकरण है यहाँ पे क्या जाति है जाति समीकरण है। मुसलमान उनके साथ है, यादव उनके साथ है, राजभर उनके साथ है, बनिया में 50% आप दोनों एक साथ बोलते हैं। हम देशिया है, हम खुद है उनके साथ है। क्या नाम है आपका? प्रमोद गुप्ता हमारा नाम है। रहने वाले साकिर अली ये लोग कहते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के नेता ये लोग कहते हैं वर्मा शंकर तिवारी की जाति का यहाँ वोटर है। आपने कसिया में उनकी क्या कंडीशन रही है देखे हैं, देवरिया में उपचुनाव उन्होंने लड़ा है, यहाँ कंडीशन क्या रहा है देखे हैं। और आज भी इस पथरदेवा के अंदर वो तीसरे नंबर के कैंडिडेट है, पहले सुरपथर शाही है यहाँ। क्योंकि यहाँ विकास किए हैं, विकास किए कि बंजरिया में उन्होंने ITI स्कूल दिया है, देसाई बरवा में ITI स्कूल दिया है, पढ़िया पर परौली में डिग्री कॉलेज दिया है, हमारे घोड़ीपुर में स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही राजकीय महाविद्यालय के नाम से डिग्री कॉलेज दिया है, CSE दिया है, जलकल दिए है। और भैया बाईपास दिए है 7 करोड़ के बाद यहाँ से अभी बाईपास इन्होंने पूरे प्रदेश में नंबर 1 विधानसभा में हर 1 किलोमीटर के बाद डाक बंगला भी बना बन रहा है। यहाँ से जाइए यहाँ ब्लॉक देखिएगा, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा दो लोग साथ बोलेंगे नहीं बोल पा रहे। पथरदेवा विकास खंड जाकर देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में ऐसा विकास खंड कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या हो गया भाई, ऐसा वहाँ मीटिंग हाल के लिए 500 लोगों की कुर्सी लगाई गई है, VIP AC बनाएगा है, पथरदेवा में ही केवल भाजपा के विधायक जीता है और मंत्री बने हैं। ठीक, इनके कहने का मतलब ये है कि जाकर देखिए कि विकास खंड जो है उत्तर प्रदेश में 1 नंबर का है। इसका मतलब ये है कि जो काम हुआ यही हुआ उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह नहीं हुआ है। प्रदेश में सब यहाँ लड़ाई भाजपा ये हिसाब बताओ।